नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित मैं कुछ समय के लिए आप लोग के सामने आता हूँ और उस पर चर्चा परिचर्चा करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर हैं, चाहे आपका हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ या फिर चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सुरकोटदा या फिर आपका मांडा या फिर यहाँ पर मांडा या फिर सुतकांगेडोर या फिर दाइमाबाद आदि जो भी हड़प्पाकालीन जो भी बड़े बड़े नगर हैं, इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात हमको यह लगती है कि यह जो भी बड़े बड़े नगर हैं, जिनका भी मैं नाम लिया हूँ 8-10-12 जो भी बड़े बड़े नगर हैं, वह कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। और आज भी आप देखेंगे कि आज भी जो भी नगर हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन बाकी शहर आप देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, बनारस देख लीजिए और कल लखनऊ देख लीजिए, तो जितने भी शहर हैं आज भी हमारे देश में जितने भी शहर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। तो मतलब साफ है कि पुराने समय में भी या इस समय में भी जो भी बड़े बड़े नगर हैं, जो भी नगर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे हैं। इसका मतलब जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ था, जो भी सभ्यता का विकास हुआ है वह किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है। और यह हड़प्पाकालीन नगर को भी देखकर यही लगता है कि हड़प्पाकालीन के जितने भी नगर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए थे। मतलब लोगों को बहुत सारे संसाधन, लोगों को अगर परिवहन का संसाधन खोजना होता था परिवहन के लिए भी, इसीलिए वह नदी के किनारे बसते थे। नदी के किनारे का जो ज़मीन था वो बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था, जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ होती थी, जिसमें गेहूं, जौ, धान, तिल, सरसों आदि की खेती अच्छी होती थी, इसलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में आकर बसते थे, नदी के किनारे आकर बसते थे, क्योंकि परिवहन की सुविधा मिलती थी और खेती भी अच्छी कर लेते थे। हर तरह से पहाड़ों की जैसी जिंदगी नहीं होती थी, जिंदगी भी जीवन भी बहुत ही सुलभता के साथ बीता था, इसलिए वह नदियों के किनारे अपना आसियाना बनाते थे, नदियों के किनारे वह बस जाते थे और धीरे धीरे नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास होने लगा। तो इसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि हड़प्पा काल के जितने नगर थे, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, सुतकांगेडोर हो, आलमगीरपुर हो, दाइमाबाद हो या फिर चन्हूदड़ो हो, कोटदीजी हो, सुरकोटदा हो, जो भी हड़प्पाकालीन नगर हैं वह किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो आज इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह हड़प्पा जो आप यह सोचेंगे कि यह जिन भी नगरों का मैं नाम लिया हूँ, जो भी 8-10-12 नगरों का नाम लिया हूँ, हड़प्पाकालीन नगर कहा जाता है। तो हड़प्पाकालीन नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसलिए बाकी के जो भी स्थल खोजे गए उन्हें हड़प्पाकालीन नगर कहा गया, हड़प्पाकालीन स्थल कहा गया। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में किया था। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मॉन्टगोमरी जिले में है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे विकसित हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। जो लोथल है वह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है और इसकी खोज किए थे रंगनाथ राव। जो रोपड़ है, रोपड़ की खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा और रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने किया था और यह जो कालीबंगा है वह घग्गर नदी किनारे है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। तो यह सब सारे नगर हैं। बाकी आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है, गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। फिर सुतकांगेडोर जो है वह दास्क नदी किनारे है, इसकी खोज सर मार्क आरल आस्टाइन ने किया था। तो यह सब सारी बातें हैं। और चन्हूदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है, कोटदीजी जो है सिंध नदी के किनारे है, सुरकोटदा जो है साबरमती नदी के किनारे है। तो यह सब हड़प्पाकालीन नगर हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुए थे। तो यह सब सारी बातें थी। तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री फैक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम में IIS PCS फ्री मटेरियल से नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।